पुलिस की वैन नहीं मिल रही उनको, अब स्पेशल हम PICU में लेके आए और अब ढूंढ रहे हैं। अभी 10-15 मिनट तो हो गए अंदर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कितनी सुइयां घुसा के कभी इधर कभी इधर कभी कर रहे हैं। और वो बहुत रो रही है, उसका ब्लड भी इतना निकल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये देखो सावो ने अभी कलरिंग की है, वाओ। ये आपने की है सावी? बहुत अच्छी की है, कल भी की थी ना, वाओ। ये देखो सावो ने कितनी ब्यूटीफुल कलरिंग की है। वो आपका क्या आ गया? दुदू? नहीं, दुदू तो आपने पी लिया। ये सावो का सूप आया भैया? हाँ जी। साबु का सूप आ गया, अब साबु सूप पिएगी। हे एवरीवन, जैसा कि आपने देखा कि ये व्लॉग नॉर्मल व्लॉग नहीं है, हॉस्पिटल का व्लॉग है। सावी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है, ऐसा क्या हो गया कि उसको हमें सडनली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगी। और मैंने सोचा कि जब हम सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं, ये मैं तभी शूट कर पाई जब सावी नॉर्मल हो गई, रिकवर कर रही थी, नॉर्मल अपने रूम में आ गई। इससे पहले 2 दिन वो ICU में रही है, तब हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हमें कुछ नहीं पता था कि सडनली हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। तो जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो मेरे माइंड में आया कि चलो हम लोग जब सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं तो इस चीज़ को भी हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ मैं सावी को सूप पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत परेशान करते हैं बच्चे वैसे ही खाने पीने के लिए, और स्पेशली जब बीमार हो तो उनको, उनकी केयर करना, उनको खिलाना बहुत बहुत टफ हो जाता है एक मदर के लिए। तो बस मैं वही सब यहाँ पर कर रही हूँ, उसको थोड़ा बहला फुसला के सूप पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए उसको हुआ क्या था, उसको उस टाइफाइड हो गया था जो काफ़ी बिगड़ गया था। एक्चुअली उसको पहले कुछ दिन फीवर रहा, हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मेडिसिन जो बताई हमने प्रॉपर दी, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले फीवर 100 आ रहा था, 100 से सडनली 102 एंड 103 तक पहुंच गया था। रात रात भर भी मेडिसिन देने के बाद उसका फीवर नहीं उतरता था। उसके बाद डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिखे, फिर जब हमने टेस्ट कराए तो उसके टेस्ट में टाइफाइड बहुत हाई लेवल पर आया, उसके लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। एकदम से हमें डॉक्टर ने बोला कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। तो एकदम से ही हमारे तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या डॉक्टर बोल रहे हैं। देखिए बच्चे बीमार होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे बीमार चलते हैं, दवाइयाँ उनकी चलती रहती हैं, बट हॉस्पिटल में एडमिट होना थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, और स्पेशली ICU में रहना। जैसे ही हम इसको एडमिट किया, उन्होंने बोला इसको ICU में ले जाना पड़ेगा, तो हम बहुत घबरा गए। बट बाय गॉड ग्रेस बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, रिकवर कर रहा है, नॉर्मल रूम में आ गया है। होना नहीं होना बताओ। होना या नहीं होना है, घर जाना आज होली है। वो अपने आप ही बता देती है ना कि मम्मा ये खत्म हो गया ग्लूकोस। ये आपके हाथ में क्या है, दिखाओ। सो सॉरी, सावो को पहले यहाँ ड्रिप लगी थी और फिर इसके यहाँ पेन हो गया था, तो उन्होंने चेंज करके, थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो गई थी तो उन्होंने चेंज करके अब दूसरे हाथ में लगा दी। और सावो इतनी ब्रेव है ना, और सावो की नेल्स देखो कितने ग्रो हो गए हैं। घर जाके सबसे पहले हम ये कट करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें सावु का नेम लिखा है, बेबी सात्विक का, एज लिखी है 7 इयर्स, है ना। चलो अब रेस्ट करो, सोना नहीं है, बस रेस्ट करो। तो हॉस्पिटल में तो बोरिंग ही होता है।
खत्म हुआ इतनी देर से? बैड गर्ल, वेरी बैड। इतना ठंडा कर लिया, गरम गरम पीते हैं। चलो पियो फिर, फिनिश करो जल्दी से। यहाँ मैं सावो को थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो बार बार बोल रही थी मम्मा बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर लेके चलो। तो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं उसके साथ एक गेम खेल रही हूँ। और बहुत बोरिंग तो हो ही जाता है हॉस्पिटल्स में, 4 दिन वो एडमिट रही, तो थोड़ा ऐसे ही करके बस उसका माइंड डाइवर्ट किया। साबु का डिनर आ गया है और साबु रो रही है। साबु क्यों रो रहे हो आप? कि डिनर आ गया, मुझे खाना नहीं है, इसलिए रो रही है। मीठे में कुछ नहीं है। इसको मीठे में, कल इसको कस्टर्ड आया था, आज आया है आई थिंक वो सूजी वाली जो खीर होती है या सेमिया वो है शायद। हाँ ये सूजी की खीर है मीठी वाली, और ये आई डोंट नो कद्दू की सब्जी है क्या है, घीए की सब्जी होगी। बीमारों वाला खाना हाजिर है, बीमारों वाला खाना। और बीमार जो बच्चा है वो जल्दी से उठ जाए। ये देखो ये रोना है कि मुझे खाना नहीं खाना। वॉशरूम जाना है, चलो बेल रिंग करो फिर बुलाओ नर्स को। आराम से सावी, अब सावो को नर्स आएगी, सावो की ड्रिप ओपन होगी और फिर सावो जाएगी वॉशरूम, है ना? भैया इसको वॉशरूम जाना है। अभी थोड़ी देर जैसे ही इसको नहीं लगाए ड्रिप, थोड़ा खेल ले दो, है ना? थोड़ी देर रुक के लगा सकते हैं ना। चलो थोड़ी देर ना अब आप वॉक कर लेना यहाँ बाहर, ठीक है? Day 4 है, आज डिस्चार्ज मिलना था हॉस्पिटल से, बट जाते जाते भी प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो ही कैसे सकता है। एक्चुअली हुआ ये कि पहले जिस हैंड में ड्रिप लगी थी उसमें स्वेलिंग आ गई थी, उन्होंने चेंज करके दूसरे हैंड में लगा दिया, और अब दूसरे हैंड में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है कि वो जो मेडिसिन डाल रहे हैं ऊपर से ड्रिप में वो नीचे जा ही नहीं पा रही, और ब्लड जो है वो बैक कर रहा है, जहाँ से उन्होंने निडल डाली है वहाँ से ब्लड आ रहा है। तो इन्होंने, ये जो नर्स हैं मेल नर्स हैं, ये इन्होंने बोला कि आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर इसकी जो बाजू है आर्म में डाल के देखेंगे, क्योंकि इसकी वेंस जो है बहुत पतली हैं, वो मिल नहीं रही ठीक से। तो अब देखते हैं। तो साबिक को अंदर एक्चुअली उसके इस वाले हाथ में स्वेलिंग आ गई है, दवाई जा रही है, तो दूसरे हाथ में चेंज कर रहे हैं, तो ये माँ आ गई टेंशन में, क्योंकि बहुत उन्होंने हमें तो बाहर खड़ा कर दिया है जिसमें लगाना है, तो बार बार कभी ब्लड निकल रहा है, अभी उन्होंने 2 बार चेंज किया, पता नहीं बंदा टेंशन में घूम रही है कि कब आएंगे उसको छोड़ेंगे। भाई 10 से 15 मिनट हमें हो गए हैं अभी ना, तो मतलब एक वेन नहीं मिल रही जिसपे, क्योंकि आज हमें डिस्चार्ज करा लेना ना उसको। पहले क्या किया इसमें से भी निकाला ब्लड, और इधर हाँ यहाँ भी निकाला ब्लड। इनकी मैं पिटाई करूंगी, मैं अभी डॉक्टर से बात करूंगी, मेरी बेटी के इतना ब्लड निकाले जा रहे हैं ये। चलो अब अपने रूम में चलते हैं। व्हीलचेयर पे जाना है या चले जाओगे पापा के साथ? चलो ऐसे ही चल पड़ो। पापा इसको गोदी में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा था व्हीलचेयर पे ले जाओ, पर वो कह रही है नहीं मुझे पापा के साथ ही बैठ जाना है गोदी में। आई अच्छा है मेरा बच्चा, अच्छा है, देख कैमरा में सबको हाई तो कर दो। नानी 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 कहीं है?
वो देखो नानी बैठी है, अब लेट जाओ, सबको ट्रिप लग जाएगी फिर से। लंच आ गया, सुबह इसका सैंडविच आया था। हाँ वो ठीक हो जाएगा, तभी तो चेंज किया बेटा। ये देखो इसके हैंड में इतनी स्वेलिंग आ गई है, और आज सब बहुत रोई है, बहुत रोया। इतना बच्चा मेरा कभी नहीं रोता ना, पर अब ये ठीक हो जाएगा। अब इसकी कहाँ लगी है दिखाओ, इन्होंने हटा के यहाँ से कहाँ लगाई है मेरे ब्रेव गर्ल को। ये देखो यहाँ लगाया, पहले देखो इसको हैंड में यहाँ लगा था। ये हम ओपन करके देखते हैं, राइस है। अब साबू अपना लंच करेगी, आलू मटर की सब्जी, रायता। आज तो इसको नॉर्मल खाना आया, रोज इसको ना खिचड़ी आ रही थी और क्या आ रहा था, सब्जी आ रही थी लिक्विड लिक्विड सी, मतलब पतला पतला। तो आज 3 डेज हो गए हैं, तो आज इसको नॉर्मल खाना आया, साथ में ये रोटी भी है शायद। चलो साबू लंच करें। हाँ? नहीं करना, अभी डॉक्टर अभिषेक आने वाले हैं, पूछेंगे आपने खाना खाया। अब मम्मी रात से बैठी हैं, तो कैसे उबासियां ले रही हैं। साबू के पापा बैठे हुए डॉक्टर का वेट करते हुए, और अभी डॉक्टर नहीं मिल रहा है। देखो आया नहीं डॉक्टर, कुछ पूछा अंदर नर्स से। साबू के पापा टेंशन में, आज तो डिस्चार्ज हो रही है, हैप्पी नहीं हुआ? हाँ आगे तो 10 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा ही। वो सो फाइनली आर लीविंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, और साबू देखो कितनी खुश है। पापा अभी गए हैं, सो अभी साबू ठीक तो है, बट प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, तो अभी 10 डेज की मेडिकेशन बोली है। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, और हमारे ये 4 दिन हॉस्पिटल में बहुत टफ डेज थे, पर निकल गए, बुरा समय निकल गया। आई नो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। मैं बीइंग अ मॉम बहुत इमोशनल हूँ, और विकास मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझ में हिम्मत बनाए रखते हैं, और मेरी अपनी बेटी ये जो बीमार है ये भी काफ़ी हिम्मत रखती है। तो आई होप कि आपकी फैमिली भी आपकी स्ट्रेंथ है। मेरे मम्मा पापा को जैसे ही पता चला, वो मेरे पास रात को 11 बजे आए हैं लास्ट मेट्रो लेके। मम्मा तो पूरा टाइम सावी के साथ रात रात भर रुकी हैं, जागी हैं। तो ये फैमिली का स्ट्रेंथ ही है जो हमें हिम्मत देता है। सावू के दादू दादी जो दूर रहते हैं, बट उनका आशीर्वाद, उनका प्यार है, सबका आशीर्वाद है कि हमारा बच्चा आज ठीक होके घर वापस जा रहा है।